जालिबो एप्रिल मे आकाश थर बर्षिवनी एवर्ष ग्रीष्म लहरी अवधि एत लंबी जे छटपट हे जनजीवन भारतीय पापाग विभाग चलित बर्ष मार्च रु मे पर्यंत पापाग पूर्वानुमान देखिले डर लगुच पूर्वानुमान चित्र जलजल दिशुची एथर डह डह खरार टकटक खई फुटब ओडा आभ्यंतरण कि उपकूल सबुठ निर्षा भिति उपजे विशेषज्ञों कहवा कथा है एलिनो प्रभाव ग्रीष्म जल को आहरी बढ़ाव एलिनो जो समुद्र भी उत्तप्त रिणाम कालबैशाखी कमिजी कालबैशाखी बिना ताति प्रकोपुर निस्तार मिलवा संभावना कम ग्रीष्म अवधि मार्च रु कलबल करें पूर्वानुमान जहां आसंता 15 तारीख रु गरम बढ़ 22 तारीख रु भीषण गरम अनुभूत हो आईएमडी पूर्वानुमान चित्र स्पष्ट अनुमान करशार ग्रीष्म प्रवाह दिन संख्या स्वाभाविक ठार् अधिक साधारणतः ओडिशार ग्रीष्म प्रवाह दिन संख्या 11 भितर रहा कथा गत वर्ष ग्रीष्म लहरी संख्या 2 गुण बढ़ी जाता जो असंभाल ग्रीष्म प्रभाव में भाजी हो जाते ओडिशावास एथर भी ग्रीष्म लहरी दिन संख्या 13-15 पर्यंत छुईपे बढ़ी पाए तेज पूर्वानुमान कहूँ मार्च रु मे पर्यंत ओडिशार उभय दिन और राति तापमात्रा मुख्यतः स्वाभाविक ठार् अधिक रहा संभावना अच्छे विशेषकर एप्रिल मे मस अस्वाभाविक भाव में ताति बढ़ी चलो पश्चिम और पार्श्वर्त केन्द्रीय ओडिशार तापमात्रा भयंकर भाव में बढ़ उपकूल केतेक जगार अत्यधिक गरम हो पाए सारा राज्य में राति भी भीषण गरम अनुभूत होगा संभावना अच्छे अर्थात राति बेला भी निस्तार मिलबार आशा कम सया जलवायु और परिवेश केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरतचंद्र साहू कहते ए वर्ष एप्रिल मास सबुठ उत्तप्त रहीपे उपकूल ठार आभ्यंतरण में तापमात्रा अधिक रहा बर्तमान विशेष तापमात्रा बढ़वनी 7-9 तारीख भितर आभ्यंतरण ओडिशार तापमात्रा बढ़ केतेक स्थान में 38-39 डिग्री सेल्सियस छुईपे रिपोर्ट अभय न्यूज ओडिशा।